हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जो है अपना अभी निकला हूँ घर से। आज मैं आपको अपना यूनिवर्सिटी का टूर दिखाऊंगा जहाँ पे इस टाइम मैं स्टडी कर रहा हूँ। सो मैं अभी यहाँ से जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ से पहले बस स्टेशन पे जाऊँगा, फिर वहाँ से बस लूँगा अपनी यूनिवर्सिटी तक, फिर वहाँ पर पूरा कैंपस का टूर करेंगे, वहाँ पर कैंटीन जाएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमारे कौन सी अलग अलग बिल्डिंग्स है। ठीक है, सो फिर आगे मिलते हैं वहीं पर ही। सो जैसे अभी मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन से बाहर जाऊँगा और फिर वहाँ से लेफ्ट लेना है। तो अब यहाँ से जो मैं अभी इस टाइम पे यहाँ से निकल गया हूँ बाहर। सो मैं अभी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से अभी निकलते ही सारी आप जब बाहर निकलते हैं, जैसे मेरे पीछे रेलवे स्टेशन है तो मैं यहाँ से लेफ्ट लूँगा, यहाँ से सेम बिल्कुल फुलदा का जो मेन रेलवे स्टेशन है। सो यहाँ से बस है 6 नंबर, जो 6 नंबर बस है जो मारबाख जाती है और बीच में होकशुला भी आता है। तो आई थिंक यहाँ से सिर्फ 2-3 मिनट का ही रास्ता है, यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 3 स्टॉप टोटल हैं और 2 मिनट लगते हैं मैक्सिमम वहाँ पे पहुँचने में। सो मैं अभी जस्ट बस ले रहा हूँ, 2 मिनट में बस है। तो यहाँ पे हर आधे घंटे में एक बस जाती है, तो आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि मेरे को कितने बजे बस कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेशंस हैं और जो घर यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, तो इसीलिए आपको बस से ट्रैवल करना पड़ता है। और इससे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है साइकिल का। यह है हमारा मेन फुलदा का रेलवे स्टेशन। सो अभी मैं यहां पर जा रहा हूं, यहां से बस लेनी है, 1 मिनट में बस आ जाएगी। और यहां पे आप अपना देख भी सकते हो कौन सी बस कहां से कितने बजे है। सो यहां पर 6 नंबर में बस दिख रही है, जस्ट 1 मिनट में आएगी ई नंबर प्लेटफॉर्म पे। सो यहाँ से बस बोर्ड करेंगे और 2-3 स्टेशन हैं, उसके बाद होकशुला फुलदा उतरेंगे, फिर वहाँ से जस्ट लेफ्ट लेते ही कैंपस है सामने, तो वहाँ चलते हैं अभी। सो अभी मैं बस में बैठा हुआ हूँ और उसके बाद यहाँ से 3-4 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा यूनिवर्सिटी ऑफ फुलदा। जस्ट उतरते सार ही वहाँ से उसके सामने आपको कैंपस शुरू हो जाता है दिखना, तो उसके आगे जाके वहाँ पर लाइब्रेरी है और इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर है। यहाँ पर जस्ट अभी मैं उतरा हूँ और ये होकशुला 6 नंबर बस यहाँ पे लिखी हुई है, और ये होकशुला मतलब यूनिवर्सिटी है। और इसके सामने ही जस्ट रोड क्रॉस करते आपको सामने येलो कलर का लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा कि जो ये कैंपस की बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो अभी तो कोरोना चल रहा है तो इस वजह से भी क्लासेस हो नहीं रही हैं। सो अभी हम जाके यहाँ पे विजिट करेंगे और जो सामने पीछे बिल्डिंग है वहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे होकशुला फुलदा के यूनिवर्सिटी फुलदा के प्रेसिडेंट बैठते हैं। सो मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया हूँ और जो मेरे पीछे है ये लाइब्रेरी है यहाँ की, और हम अभी इस टाइम पे यहाँ से जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती जब आप नए स्टूडेंट आते हो यहाँ पे, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, यही मेरा मोटिव है इस वीडियो का भी कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर क्या क्या है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ फुलदा में स्टडी करने आ रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आगे भी बड़ी अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा जिसके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा कि वहाँ पे लाइब्रेरी का है, या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर कहाँ पर है, या फिर जो कैंपस का प्लान है उसका मैं लिंक भी डाल सकता हूँ, जैसे होकशुला फुलदा की मैं आपको वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको अगर कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप कोर्स के लिए अप्लाई कर सको, और या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं अभी खड़ा हूँ स्टूडेंट सर्विस सेंटर के बाहर,
यहाँ पे आपके अपनी जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जैसे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट आप सेकंड फ्लोर पे जाके अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो, या आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई रूम नहीं मिल रहा तो यहाँ पे इंटरनेशनल सर्विस सेंटर जो है यहाँ पे ये भी हेल्प करते हैं आपकी रूम ढूंढने में। और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर आपके जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं कोई भी स्टडीज से रिलेटेड, कि आपके कितने क्रेडिट स्कोर हैं, लेट सपोज आपने 3 साल की बैचलर्स करी है तो आपके पास 180 क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको 30 क्रेडिट स्कोर्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, या फिर वो इंटर्नशिप से करते हो, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है तो उस पर मैं अलग बात कर सकता हूँ। बट ये आप जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर आप स्पेसिफिकली आके अपने पूछ सकते हो, और यहीं से आपको डिग्री भी मिलती है। और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर आपका जो सेमेस्टर टिकट होती है, जो आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है, जो 6 मंथ्स की जो आप फ़ी पे करते हो, सेकंड फ्लोर पे आप फ़ी पे करते हो और फिर नीचे आके आप अपना वहाँ से कार्ड ले लेते हो। वो कार्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूरी सिटी में या फिर आपको पूरा हेसर स्टेट में ट्रेवल करने के लिए विद इन सिटीज़ भी, और इसके अलावा जो अलॉन्ग द सिटीज़ अराउंड द सिटीज़ है वहाँ पर आपको अगर ट्रैवल करना है तो वहाँ पर उसके लिए आपको सेमेस्टर कार्ड साथ में चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हो आपको कुछ पे नहीं करना होता और उससे आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, चाहे आप 150 किलोमीटर दूर जाओ या 200 किलोमीटर दूर जाओ। जैसे फ्रैंकफर्ट जो है फुल्डा से अराउंड 120 किलोमीटर है, तो आप वहाँ पर फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं साइकिल से जाता हूँ कभी कभी। और उसके बाद आप जब कैंटीन में जाते हो तो कैंटीन में कैश पे नहीं होता, वहाँ पर आपको अपने कार्ड से ही पेमेंट करनी होती है। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पर अभी मैं जाऊँगा लंच करने के लिए, वो है कैंटीन। और कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच मिलता है यहाँ पे, और आपको डेजर्ट भी मिल सकता है। तो अभी मैं जस्ट अंदर एंटर करूँगा, कुछ नॉर्म्स हैं कि मास्क आपको लगा के जाना है, उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करके देखना है। तो हम अंदर जाते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर का व्यू कैसा है, और हम यहाँ पे कैसे अपना जो नॉर्मली जब हम आते हैं तो किसी को कुछ बनाना नहीं आता, या मेरे को भी जब आता नहीं था बनाना तो फिर मैं अभी यहाँ आके खाता था। ठीक है, तो अंदर चलते हैं फिर वहाँ पे चल के देखते हैं। तो मैं जस्ट अभी अंदर आया हूँ, और यहाँ पर यह कि ये है कि अभी मेरे को यहाँ पर अपना एक फॉर्म सबमिट करना है, और ये फॉर्म ये है एड्रेस कार्टन, जिसका मतलब है कि आपको अपना पूरा एड्रेस वगैरह बताना है, इसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि ये जो कोरोना वायरस का जो चल रहा है वो पूरा साइकिल को जो है वो ट्रैक कर सकें। तो इसीलिए अभी जस्ट मैं यहाँ पर फॉर्म भरूँगा, ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर के उसके बाद मेरे को सब कुछ भर के ये मेरे को लेडी जो है यहाँ पे कार्ड देंगी, एंट्री कार्ड है, फिर वो एंट्री कार्ड के बाद मैं अपना एंटर करके अंदर जा सकता हूँ। सो यहाँ पे हमारा मेन्यू लगा होता है कि जो भी आपको खाना है, उसके बाद अभी नए रूल्स है कि जो आपको वेजिटेरियन लेना है तो आप राइट ले सकते हो, अगर आपको फ़िश वगैरह खानी है, आज फ़िश है मील में, तो आपको लेफ़्ट जाना पड़ेगा। राइट और लेफ़्ट दो रास्ते बनाए हुए हैं, और आप यहाँ पे जैसे रूल्स देख सकते हो कि रूल्स पूरे प्रॉपर है, वो आपको फॉलो करने हैं। और इवन मेरे को जो है यहाँ पे एक ये कार्ड मिला है, ये एंट्री कार्ड है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बैठूँगा या फिर यहाँ पर खाऊँगा तो ये एंट्री कार्ड मेरे पास होना चाहिए, और जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे को साइड में रख के जाना है कार्ड। सो यहाँ पे हमारी अलग अलग डिशेज़ हैं, जैसे सामने आप देख सकते हो वहाँ पे आप नॉन वेजिटेरियन ले सकते हो। ये नॉर्मली जो होता है जब कोरोना पीरियड नहीं था तो उस टाइम पर यहाँ पर सारी सैलड्स लगी होती थी, बट अब सैलड्स नहीं है। और बड़े सारे लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं कि जब जर्मनी आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फ़िश मिलती है या फिर मीट खाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हर एक वैरायटी मिलती है। और यहाँ पे मैं अभी राइट जाऊँगा, यहाँ पे मेरे को तो अभी ज़्यादा भूख नहीं है तो मैं डेजर्ट लूँगा सिर्फ। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि नॉर्मली यहाँ पर ये सारी डिशेज़ हैं, यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले में दिखाई हुई है कि ये डिशेज़ आप ले सकते हो। ये सबसे राइट में वेज है, और फिर ये सैलड है, और यहाँ पर मैं ये डिश लूँगा जो कि आई थिंक चेरी वाली योगर्ट है। तो अभी मैं जस्ट ये खाऊंगा अभी, और मैं भी लेता हूँ ये। सो मैं जस्ट अभी बाहर आया हूँ कैंटीन से, और कैंटीन के अंदर भी पूरे प्रॉपर रूल्स हैं कि आप अपना जो डिस्टेंस रख के बैठें, 2 टेबल लगाए हुए हैं जहाँ पे नॉर्मली 1 टेबल होता है, और पूरा डिस्टेंस भी है। उसके बाद फिर अब मैं जहाँ पे इस टाइम पे भी बैठा हूँ, ये पूरा मेन कैंपस का मेन एरिया है जहाँ पर
लोग दोपहर को आके अपना धूप में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गर्मी है वो भी ज़्यादा नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पे आराम से बैठ के खाना भी खाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हो। लोग यहाँ पे आके शाम को पार्टीज़ भी करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक एरिया है तो यहाँ पे आके कोई कुछ बोलता नहीं है। हाँ, बट आपको अपने लिमिट्स में रह के पार्टी करनी है। और जस्ट मेरे सामने अभी लाइब्रेरी है, तो मैं भी लाइब्रेरी जाऊँगा। मेरे को यहाँ पर सबसे जो बढ़िया चीज़ लगती है वो लगती है लाइब्रेरी, और सेकेंड इसके पीछे जो हमारे यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ पे आप जाके बास्केटबॉल खेलो। लोग वहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं, और उसी के साथ में जैसे हमारे वहाँ पे बारबेक्यू करते हैं, तो यहाँ पे ओपन बारबेक्यू है। कुछ रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, आप अपना आओ, सीख कबाब लेके आओ या फिर वेज लेके आओ, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपना आके कोले उसके अंदर डालो और आराम से वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करो, और उसके साथ वहाँ पे ग्रिल करो, खाओ। लोग यहाँ पे अपना जो ड्रिंक लेनी है वो आप ड्रिंक भी ले सकते हो। और जस्ट इसके सामने जो है वो आल्डी, एक सुपरमार्केट है जहाँ से आपको सस्ता सामान मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ग्रोसरी लेने जाते हैं। तो अभी इसके बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा, लाइब्रेरी जाऊँगा, लाइब्रेरी के बाद फिर हम जाएंगे बास्केटबॉल कोर्ट देखने, और वहाँ पे जो ग्रिल कर सकते हो। अभी सब कुछ नहीं हो रहा, बट हाँ, जैसे जैसे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप यहाँ पे अपना आके आराम से बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने के लिए विद इन कैंपस, कैंपस में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप फुलदा सिटी में कर सकते हो। मेरे को फुलदा सिटी इसीलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है, कम लोग हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल 80,000 पॉपुलेशन है यहाँ की, 80,000 टोटल, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी सिटी है वहाँ पे 35 लाख लोग रहते हैं बर्लिन में। उसके बाद अगर फ्रैंकफर्ट यहाँ से नियरेस्ट सिटी जो है वहाँ पे अराउंड 5 लाख लोग रहते हैं। अब मैं वहाँ जब वहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा लगता है कि आप अपनी लाइफ को सोचने का आपके पास टाइम है। और स्टडी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बहुत बढ़िया सिटी है, आप यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। और मैं इस पर आगे वीडियोज़ भी बनाऊँगा कि यहाँ पर कैसे एडमिशन मिल सकता है विद 54% ऑल्सो, कि आपके बैचलर्स में अगर 54% 50% भी हैं तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे कुछ फीस नहीं है। मैं यहाँ पे कोई फीस नहीं पे करता, अराउंड 300 यूरोस जो 6 महीने की फीस सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके अंदर मेरे को पूरी सिटी, पूरे अलग अलग स्टेट, एक पूरे हिस्से स्टेट के अंदर मैं फ्री में ट्रेवल कर सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जौन सा भी सारा यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी की मेंबरशिप, वो फ्री है मेरे पास। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हो जर्मनी में। अगर आपके पास वो कार्ड है तो आपको और बड़े सारे बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना डिस्काउंट ले सकते हो। सो आगे चलते हैं, और आई होप कि आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मिला होगा। अब आगे चलते हैं और वहाँ पे चल के देखते हैं कि लाइब्रेरी कैसी है। मैं पीछे वाले एरिया में आ गया हूँ, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे आप ग्रिल वगैरह कर सकते हो, आपको जो भी बनाना है यहाँ पे आप बना सकते हो, आके बारबेक्यू करो अपना, अपने फ्रेंड्स के साथ आके बातें कर सकते हो। यहाँ पे पीछे बैठने की जगह भी है। और उसके बाद अभी जो जस्ट है, अभी मैं इधर सामने, जस्ट इसके सामने मैं कैमरा घुमाता हूँ, अभी ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट कैंपस में ही, यहाँ पे आके ये अभी क्लोज है कोरोना की वजह से, बट यहाँ पे लोग आके अपना बास्केटबॉल खेल सकते हैं, और आप भी खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा ग्रुप बना के। और उसके साथ साथ यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं लोग, क्योंकि ये जो छोटा फुटबॉल का कोर्ट है अंदर, अभी मैं जाता हूँ यहाँ से,
पूरा अंदर नहीं जाऊंगा। ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे लोग फुटबॉल भी खेलते हैं। आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे फुटबॉल का भी इन्होंने बनाया हुआ है। ये नीचे गोल है, ये बैक साइड है यूनिवर्सिटी ऑफ फुल्डा की, और इसके पीछे जो है यहाँ से दूसरी वाली साइड, इसको भी पीछे अवार्ड मिला था कि यहाँ पे आप अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के साथ आके भी यहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकते हो। लेट सपोज आपका जिस टाइम पे सेमेस्टर चल रहा है या जब क्लास चल रही है तो उस टाइम पे यहाँ पर बच्चों की भी देखभाल की जा सकती है। और यहाँ पे पूरा प्रॉपर स्टाफ है, इन्होंने गार्डन बनाया हुआ बच्चों के लिए कि यहाँ पे बच्चे आके अपना खेलें कूदें और वो ध्यान रख लेंगे आपके बच्चों का, और उस टाइम पे आप अपनी स्टडी कर सकते हो। सो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू होक्सुला फुल्डा के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ फुल्डा के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे लाइब्रेरी कहाँ पर है या फिर कैंटीन कहाँ पर है या जो हमारा मेन स्टूडेंट सेंटर है वो कहाँ पर है, जहाँ पे सेकंड फ्लोर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर भी है। और आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको जर्मनी के अंदर स्टडी करने आना है या जो प्लान करना चाहते हैं, जो भी 9th 10th के अंदर हैं, ताकि वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ ओपन रख सकें कि यहाँ पर एक फुल्डा के अंदर भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, ताकि हम पॉसिबिलिटीज़ जितनी से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो यही मेरा मेन मोटिव है ये वीडियो बनाने का, कि हम एक दूसरे की हेल्प करके अपने गोल्स अचीव कर सकें। किसी की हेल्प चाहिए तो किसी की हेल्प करनी पड़ेगी, तो जो हम हेल्प कर सकते हैं वो हम हेल्प करें, जहाँ पे हमें सपोर्ट चाहिए वहाँ पे हम सपोर्ट सीख करें। तो इसी के साथ आई एम सेइंग ऑल ऑफ टू यू, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट, अचीव योर गोल्स, डोंट बी अफ्रेड, बाय बाय।